अरे कोल्लू, आप कब आए? मैं अभी आया। क्या बोलना चाहती हो? मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा लेसन है। इसमें प्रिय बच्चों के बारे में बताने वाले हैं। बच्चों, इसे ध्यान से सुनना, हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ओके, मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 15, यंग ब्रेव हार्ट। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़कर एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द 2013 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड टू 25 चिल्ड्रन ऑन फ्राइडे 24 जनवरी 2014, 2 days बिफोर रिपब्लिक डे। अमंग दीज 25 चिल्ड्रन 9 आर गर्ल्स एंड द भारत अवार्ड वॉज कन्फर्ड अपॉन 8.5 ईयर ओल्ड वाहिका गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के बारे में। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने प्रेजेंट किया, मतलब दिया। क्या दिया? 2013 में नेशनल ब्रेवरी अवार्ड किसको दिया? 25 चिल्ड्रन को। फ्राइडे का दिन था 24 जनवरी 2014। 2014 ये साल है। 2 days before Republic Day. जो बस 2 दिन पहले है रिपब्लिक डे से। रिपब्लिक डे कब होता है बच्चों? 26th of January. Yes, you all are right. Among these, ये सब जो बच्चे थे, 25 बच्चे, उसमें से 9 यानी कि 9 गर्ल्स थी। और ये सारे अवार्ड में से द भारत अवार्ड, ये जो भारत अवार्ड है वो किसको मिला? कन्फर्ड मीन्स टू गिव समबडी एन अवार्ड। किसको मिला था? 8.5 ईयर ओल्ड एक गर्ल थी जिसका नाम था माहिका गुप्ता, जो दिल्ली से है। ये देखो, ये उसकी फोटो है। अब यहाँ पे माहिका गुप्ता ने क्या किया था वो भी दिया है। लेट्स सी। ऑन जून 16, 2013 माहिका गुप्ता वाज इन केदारनाथ विद हर फैमिली। माहिका गुप्ता जून 16, 2013 को केदारनाथ में थी उसके फैमिली के साथ। सडनली फ्लैश फ्लड स्ट्रक। एकदम से क्या हुआ? अचानक से बाढ़ आ गई, फ्लड पूर। द एरिया वॉज फिल्ड विद मडी फ्लड वाटर। वो जगह जहाँ पे वो थी वह पूरा पानी से भर गया था, कीचड़ वाले पानी से। मडी मतलब कीचड़ वाला पानी से भर गया था। माहिका कुड नॉट सी हर पेरेंट्स और रिलेटिव्स बट हर्ड हर 4 ईयर ओल्ड ब्रदर क्राइंग। माहिका को अपने पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, नातेवाइक, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस उसे आवाज सुनाई दे रही थी अपने 4 साल के छोटे भाई के रोने की। माहिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। उसे स्विमिंग भी नहीं आती थी, तैरना भी नहीं आता था। शी वॉज हिट विथ स्टोन्स कैरिड बाई वॉटर। को बहुत सारे पत्थर भी लगे थे जो पानी में बहते हुए आए थे। But bravely she waded out till she found her brother and dragged him to safety. Waded, to walk with an effort in water or mud. Waded मतलब धीरे धीरे कोशिश करके, मेहनत से चलना पानी में या मिट्टी भरे पानी में। ओके, तो बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही हिम्मत के साथ, शौर्य के साथ वो ऐसा करने लगी। क्यों? अपने ब्रदर को लेकर सेफ जगह पर ले जाने के लिए। ड्रैग्ड मतलब उसे खींचते हुए वो लेके गई सेफ जगह पर। देयर शी हेल्ड ऑन टाइटली टू हर ब्रदर फॉर आवर्स। अब वह एक सेफ जगह पर ले भी गई पर फिर भी वहां कोई भी नहीं था उसे मदद करने के लिए। इसलिए वो कुछ घंटों तक अपने भाई को बहुत ही टाइटली, बहुत ही जोर से पकड़ के रखा था उसने, उसे सेफ रखने के लिए, बचा के रखने के लिए। When she saw a light, she waved for help. फिर जब कुछ घंटों के बाद उसे कहीं से लाइट नजर आई तो उसने मदद मांगने के लिए वेव किया। वेव्ड मतलब उसने अपना हाथ हिलाकर इशारा किया लोगों को कि मुझे बचाओ। ओके, After that, they were both rescued. Rescued मतलब बचा लिए गए थे। With her determination and presence of mind, she saved her own life and that of her brother. Okay, determination. Now, what do you mean by determination, children? Determination means the quality that makes you continue to do something even if it is difficult. है ना?
डिटर्मिनेशन का मतलब होता है आपकी वह क्वालिटी जो आपको कोई भी डिफिकल्ट चीज को कर जाने में स्थिर रख के हिम्मत देती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब बुद्धि तत्परता। क्वालिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड स्टे काम इन अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। है ना, कभी ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, हम डर जाते हैं, बहुत ही डेंजरस होती है, पर उस समय भी अगर हम ध्यान से फोकस करते हैं, है ना, हमारा दिमाग फटाक से सोच पाता है कि हम क्या करें, और उसी समय हमारा दिमाग शांत भी रह पाता है। इस क्वालिटी को हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। She saved her own life and that of her brother. इस तरह से उसने अपनी खुद की जिंदगी और अपने भाई की जिंदगी बचा ली थी, bravely, हिम्मत से, बहादुरी से। अब यहाँ पे कुछ quotes दिए गए हैं। Bravery is in doing the right thing even when one is afraid. Bravery, बहादुरी, शौर्य किसमें है? जब हम भले ही डर गए हो, afraid है, फिर भी हम सही चीज करें, उसी में bravery है। We become just by performing just actions. We become brave by performing brave actions. अब छोटी मोटी चीजें तो हम रोज ही करते हैं, तो हम वैसे ही साधारण रहते हैं, पर जब हम brave चीजें करते हैं, brave चीजें perform करते हैं, brave action perform करते हैं, तो हम क्या बनते हैं? Brave बनते हैं, बहादुर बनते हैं, धाड़सी। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो किसकी है? शुभम संतोष चौधरी from Maharashtra has been given Sanjay Chopra Award for his exemplary courage. Exemplary, providing a good example for people to copy. Exemplary मतलब example देना, कुछ ऐसा काम करना जिसे देख के दूसरे लोग भी सीख सके. Courage, शौर्य. He was on his way back from school on 11th August 2012. He saw that a van had burst into flames on the national highway. ये कौन से दिन की बात है? 11th August 2012 की बात है, जिस दिन वो स्कूल से रिटर्न आ रहा था, घर आ रहा था। उसने क्या देखा? एक वैन जो थी burst into flames मतलब caught fire suddenly, एकदम से उस वैन में आग लग गई। कहाँ पे? नेशनल हाईवे पे, राष्ट्रीय महामार्ग पे। A crowd had gathered, but they were watching helplessly. Crowd, गर्दी, gathered मतलब जमा हो गई, और they were watching helplessly, वो देख रहे थे, पर कैसे? Helplessly, helplessly मतलब wanting to help someone but not able to do it for some reason. मतलब हम किसी की help तो करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर हम किसी कारण से वो कर नहीं पाते। शुभम rushed to the vehicle and tried to open the door, but the handle was too hot, too old. Rushed means to move or to do something with great speed. तो क्या किया उसने? He rushed, फट से वो भागते हुए उस vehicle के पास गया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खोल पाया क्योंकि handle was too hot, too old. Handle जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था आग लगने की वजह से. Shubham quickly broke the van's window and unlocked the door from inside. तो बाहर से वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था क्योंकि handle बहुत hot हो गया था, तो उसने क्या किया? फट से जाकर उस वैन की विंडो को फोड़ा जो कांच की थी, और अंदर की तरफ से उसने उस डोर को अनलॉक किया मतलब खोला। There were two girls in the van, वहाँ पे दो लड़कियां थी। He pulled them out of the burning van and saved their lives. तब उसने उन दोनों को खींच कर बाहर निकाला जलती हुई वैन से और उनकी जान बचा ली। Isn't it amazing, children? Every year, National Bravery Awards are given to young children for their outstanding deeds of bravery. Outstanding deeds, outstanding का मतलब होता है extremely excellent, बहुत ही बढ़िया काम. Deed मतलब काम किया उन्होंने, है ना, जिन्होंने बहुत ही extremely excellent deed किया, काम किया है bravery का, उनको ये National Bravery Award हर साल दिया जाता है. These children present inspiring examples for other children. तो ऐसे बच्चे जो है वो दूसरों के लिए inspiring examples बन जाते हैं. Inspiring, encouraging one to do something. मतलब उनको देखकर हम बहुत ही encourage हो जाते हैं, inspire हो जाते हैं उनकी तरह कुछ अच्छा काम करने के लिए, है ना? You
कैन रीड अबाउट देयर एक्ट्स ऑफ करेज इन द न्यूज़पेपर्स और ऑन द इंटरनेट. ये सब जो होता है, जो साल का जो अवार्ड मिलता है, ये न्यूज़पेपर में भी आता है. आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं या तो आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं. पर बच्चों को पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे खुद से आपको नहीं जाना है, आपको आपके मम्मी पापा के या बड़े भाई या दीदी की हेल्प लेनी होती है. इंटरनेट एक्सेस करना छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए. यहाँ पे जो कोड दिया गया है, इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर. ब्रेव मैन वो नहीं है जो कभी घबराता या डरता नहीं है, पर वह होता है जो अपने फियर को कॉन्कर करता है. फियर मतलब अपने डर को कॉन्कर, मतलब टू विन, मतलब जीत लेता है अपने फियर को और ब्रेव बन जाता है, बहादुर बन जाता है. नाउ इट्स टाइम फॉर थिंग्स टू डू, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, व्हाट ब्रेव थिंग डिड माहिका डू? राइट अबाउट इट इन वन और टू लाइंस. आंसर, माहिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, येट आफ्टर फ्लैश फ्लड्स स्ट्रक एट केदारनाथ, माहिका वेडेड इन टू मडी फ्लड वाटर एंड ड्रैग्ड her 4-year-old brother to safety. She held on to him tightly for hours till she saw a light. She waved for help and they were both rescued. Number 2, what brave thing did Shubham do? Write about it in one or two lines. Answer, Shubham saw that a van had burst into flames. He rushed to the vehicle, broke open the window and unlocked the door from inside. He pulled out the two girls who were inside the burning van and saved their lives. Number 3, copy in good handwriting the quotes given above in colored boxes. जो पर लेसन में कलर्ड बॉक्सेस में जो कोड्स दिए थे वो आपको अच्छे हैंडराइटिंग में कॉपी करना है आपके बुक में. ओके, सो लेट्स रीड इट वंस. Number 1, bravery is in doing the right thing even when one is afraid. Number 2, we become just by performing just actions. We become brave by performing brave actions. Number 3, the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. Hai na bachcho? Number 4, you also do some nice things, however small they may be. For example, helping a younger child, telling the truth even when you have made a mistake. Write about 2 such things that you have done. यहाँ पे मैंने एक सैम्पल आंसर दिया है, आप भी अपना आंसर इसी तरीके से बना सकते हैं जो रियल है, आपके लाइफ की रियल चीजें आपको लिखनी है. ओके, answer, few nice things that I did recently are written below. Number 1, once during exam days, a child had forgotten to carry his pencil box and he was worried about it. When I came to know about him, I gave him 2 of my pencils as I had 5 pencils in my pencil box. Number 2, I also helped an old uncle from my building to carry his luggage as he was back from his native place and had 3 big bags with him. और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है. अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जिसको भी इसकी जरूरत है. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.